नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनी इंडिया न्यूज पर। आइए जानते हैं किसान विरोध क्यों हो रहा है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं और कानूनों को रद्द करने की मांग से व सिंधु और घाटी से हरियाणा और दिल्ली तक जाने वाले ट्रैफिक के आंदोलन को बाधित कर रहे हैं। नाकाबंदी से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से माल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के साथ गाजीपुर और नोएडा सीमा पर ठोस अवरोधक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या वहां भी बढ़ गई है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। जून के महीने में मोदी सरकार कृषि सुधार से जुड़े 3 अध्यादेश लेकर आई थी। हालांकि सितंबर महीने में इन अध्यादेशों की जगह सरकार ने संसद में 3 बिल पेश किए। तीनों बिल पास हो गए और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। किसानों के अलावा सरकार के अंदर भी इन बिल पर समर्थन हासिल नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बिल के विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वहीं तब से लेकर अब तक पंजाब और हरियाणा में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों है किसान परेशान। असामान्य स्थितियों के लिए कीमतें इतनी अधिक हैं कि उत्पादों को हासिल करना आम आदमी के बूते नहीं होगा। आवश्यक खाद्य वस्तुओं के भंडारण की छूट से कॉरपोरेट फसलों की कीमत को कम कर सकते हैं। किसानों का मानना है कि नए कानूनों से MSP प्रणाली खत्म हो जाएगी। किसान वैधानिक गारंटी चाहते हैं। वही कमीशन एजेंट का कहना है कि उनका एक अधिकार और बांधा हुआ मुनाफा खत्म हो जाएगा। उधर राज्य सरकारों का कहना था कि उन्हें मंडी शुल्क के रूप में मोटा राजस्व प्राप्त होता है, खासकर पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। फार्मर्स का कहना है कि सुधार उन्हें बड़े निगमों द्वारा शोषण के लिए कमजोर बना देगा, उनकी सौदेबाजी की शक्ति को नष्ट कर देगा और सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को कमजोर कर देगा, जो कि किसानों को सरकार की कीमतों का आश्वासन देता है। उनका कहना है कि कानून कॉरपोरेटर खिलाड़ियों की मदद करेंगे और अनंत खेत के क्षेत्र के लिए हानिकारक होंगे, जो देश की लगभग आधी आबादी का समर्थन करता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदर्शनकारियों के किसान के एक प्रतिनिधि ने यह कहा कि वह यह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मन की बात सुने और उनका कहना है कि उनकी यह मांग गैर परक्रम्य है और उनका दावा है कि सत्तारूढ़ पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी यदि वह उनके प्रति ध्यान न दे तो। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र पर लिखते हुए कहा, तीनों विदेशकों के खिलाफ किसान विरोध पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन बिलों को वापस लेने के लिए तुरंत कार्यवाही करें। देश को खिलाने वाले लोग इस चरम सर्दियों और कोविड-19 महामारी के बीच आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार पर अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। नेताओं ने कहा कि अगले 2 दिनों में और अधिक किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है। कृषि संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से कहा, किसानों और यूनियनों को चिंता थी कि नए कानून के कारण पंजाब में मौजूद APMC मंडियां कमज़ोर हो जाएंगी। मंडियां, बाजार, यार्ड कमज़ोर नहीं होंगी। सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। नए अधिनियम निजी मंडियों के लिए प्रदान करता है। वे खेत के नेता की राय थी कि चुंगी निजी मंडियों में कोई कर नहीं होगा, इसलिए यह मौजूदा मंडियों को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार इस पर विचार करेगी कि दोनों मंडियों के लिए समता स्तर के खेल के मैदान का है, APMC और निजी, ताकि एक के हित दूसरे से प्रभावित ना हो। अब दोनों पक्ष फिर से दोबारा दोनों रविवार को मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।